मम्मी आपको जब भी टिफिन भेजती होगी तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करती होंगी खाना रोटियों को ठीक है तो वो हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम की फॉइल्स है और वो थिन शीट्स के फॉर्म में ही तो है यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज तो हम देख चुके हैं मैंने आपको बताया था जो भी नेगेटिव प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आ जाएंगी तो ये मेलियबल भी नहीं है तो मिडिल में हमने देखा था कि दो तरीके के ओरस हो सकते हैं या तो वो कार्बोनेट ओर्स होंगे या फिर वो सल्फाइड होंगे कार्बोनेट सी फॉर कार्बोनेट सी फॉर तो हो जाएगा और दूसरा रोस्टिंग है तो वो सल्फाइड के लिए हो जाएगा हे एवरीवन इट्स मी वर्मा योर केमिस्ट्री एजुकेटर और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री क्लास टेंथ का जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है मेटल्स एंड ये है हमारे पास नॉन मेटल्स तो कुछ मेटल्स और

उनको पढ़ने वाले हैं एंड वी हैव सल्फर कई बार ना बुक्स में एस यू एल पी एच यू आर भी लिखा रहता है दोनों ही करेक्ट है तो कंफ्यूज नहीं होना है एंड वी हैव फोस्फरस तो ऐसे तो ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स है ये है हमारे पास प्रियडिक टेबल अब आपके सिलेबस में ना प्रियॉडिक टेबल नहीं है बट मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि इससे ना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना तो जैसे ये हमारे पास क्या होते हैं दीज आर द ग्रुप्स एंड जो हमारे हॉरिजोंटल वाले हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स ठीक है periods, तो यहां पे ये जितने हमारे पास है ना ये सब हमारे पास क्या है ऑल दीज आर मेटल्स और बीच में हमारे पास ये जो है ना बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये सब हमारे पास क्या होते हैं मेटेलॉइड्स होते हैं अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं जिनमें ना मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर होता है बेसिकली दोनों का ठीक है देन हमारे पास इस साइड पर आपको जितने ये दिख रहे हैं ये सब हमारे पास क्या है ऑल दीज आर नॉन मेटल्स तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है नाइट्रोजन नॉन मेटल है देन वी हैव फोस् सल्फर तो ये सब हमारे पास क्या है ऑल दीज आर नॉन मेटल्स तो यहाँ पे आपको इस साइड को जितने दिख रहे हैं ना ये सब के सब हमारे पास क्या है मेटल्स है तो मेटल्स आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और नॉन मेटल्स हमारे पास सिर्फ इतने ही हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिक सी चीज थी समझने के लिए बिकॉज अगर आपको यही समझ में नहीं आया तो आगे हम नहीं समझ पाएंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वॉट इज अ मेटल तो मेटल की डेफिनेशन क्या होती है मेटल इज एन एलिमेंट दैट रेडली फॉर्म्स पॉजिटिव आय इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ही यही है कि ये क्या बनाएंगे ये बनाएंगे कैटायंस केटायंस का मतलब क्या है आपने देखा होगा सोडियम अगर हम एन की बात करें ये होता है सोडियम तो ये क्या करता है ना ये एन ए प्लस आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है ये लूज कर देता है तो यहाँ पे ये लूज कैसे करता है वो भी हम पढ़ेंगे हम एन की फॉर्मेशन भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो एनए की अगर हम बात करें ना इलेवन इसका एटॉमिक नंबर होता है सो टू एट वन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या कर देता है इसको ये कर देता है रिमूव तो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ना ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में एंड ये हमेशा क्या बनाते हैं कैटाइंस बनाते हैं देखो लर्न करने के लिए ना बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको ये बताती हूँ कि मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो सब अच्छी होती है यानी कि गुड प्रॉपर्टीज होती है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो जितनी इनकी प्रॉपर्टीज है ना वो काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है ऑन दी अदर हैंड अगर हम आएंगे किस पे नॉन मेटल्स पे तो ये तो हमारे पास मेटल्स ही है नॉन मेटल पे अगर हम आएंगे ना तो यहाँ पे पुअर या फिर इसको हम बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं सो नॉन मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज है वो बैड है तो इससे ना हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं सारी चीजें तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आ गई अब अगर हम केटायन की बात करें ये भी पॉजिटिव है पॉजिटिव चीज तो हमेशा अच्छी होती है ना तो जो भी मेटल्स हैं हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं कैटाइन्स कहते हैं तो ये हमारे पास आई थिंक पहली डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी एंड हैज मेटालिक बॉन्ड्स तो इसमें बॉन्ड ऑब्वियसली मेटालिक होंगे क्योंकि ये है ही मेटल हमारे पास ठीक है देन वी हैव मेलिएबल दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मेलियबिलिटी क्या होती है डक्टिलिटी क्या होती है सो टॉकिंग अबाउट मेलियबिलिटी कि हमारे पास अगर हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर मेटल है दिस इज मेलिएबल तो उसका क्या मतलब है नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं यहां पे से ना बहुत अच्छे से समझते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेलिएबिलिटी अगर हम थिन शीट्स में ठीक है शीट्स तो आपको पता है एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्युमिनियम आप सबको पता है एल्यूमिनियम की हम फॉइल्स यूज करते हैं ना घर में मम्मी आपको जब भी टिफिन भेजती होगी तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करती होंगी खाना रोटियों को ठीक है तो वो हमारे पास क्या है एल्युमिनियम की फॉइल्स है और वो थिन शीट्स के फॉर्म में ही तो है तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उस मेटल को हम थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं इसी को हम कहते हैं मेलियबी जो गोल्ड है ना वो क्या होता है सबसे ज्यादा मेलिये मेटल होता है क्योंकि आपको पता है उसकी तो ज्वेलरी भी बनती है तो हम इजिली उसको क्या कर सकते हैं थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई थी डक्टिलिटी वहां पर हमने क्या लिखा था ये काफी ज्यादा डक्टाइल होते हैं तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स अपने घर में देखी होंगी वो किसकी बनी रहती है कॉपर की सी यू से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो so, देखो ये कॉपर मेटल है इसको मैं इजिली किसमें चेंज कर सकती हूँ कॉपर वायर में चेंज कर सकती हूँ ठीक है तो विच मीन्स इसकी प्रॉपर्टी एक और है जो कि होती है डक्टिलिटी तो समझ में आ गई होंगी दोनों ही आपको प्रॉपर्टीज देन है दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इजीली क्या करते हैं ये हीट को कंडक्ट करते हैं मान लो मैंने क्या किया एक ली है उसका ये वाला पोर्शन मैंने बर्नर से हीट कर दिया थोड़े टाइम बाद आप देखोगे अगर ये वाला एंड भी आप टच करोगे ना तो ये भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हीट प्रेजेंट है विच मींस ये कंडक्ट ही तो कर रहा है ना इसी की वजह से तो यहाँ पे हमने हीट करा और हमें वो हीट यहाँ पे भी फील हो रही है देन वी है तभी तो हम जो इलेक्ट्रिकल वायरस बनाने में यूज कर रहे हैं किसका यूज कर रहे हैं कॉपर का और कॉपर क्या होता है एक मेटल होता है तो ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्या क्या है ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं तो इनको ब्रेक करना क्या होगा काफी डिफिकल्ट होगा देन वी हैव दीज आर लस्ट्रस लस्ट्रस का मतलब होता है ये काफी ज्यादा शाइनी होते हैं एंड इनमें ना काफी अच्छी चमक होती है आपको पता है आपने गोल्ड और सिल्वर सब कुछ देखा हुआ है तो आपको पता है ना कितने ज्यादा ये चीजें शाइनी सी होती हैं तो इनकी काफी अच्छी अपियरेंस है उसी अच्छी अपियरेंस को उसी शाइनी अपियरेंस को हम क्या कह रहे हैं लस्ट्रस कह रहे हैं ठीक है देन वी हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्यों होता है बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जहाँ पे भी कोई भी अगर हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं अगर आपको गिवन है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है या इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका सिंपली यही मतलब है कि उसमें ना काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ये एनर्जी किस फॉर्म में हम दे रहे हैं मेल्ट कराने के लिए एनर्जी ही देनी पड़ती है ठीक है बॉयल कराने के लिए एनर्जी ही देनी पड़ती है इसीलिए अगर हमें हाई एनर्जी देनी है इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट भी क्या होगा काफी ज्यादा होगा नेक्स्ट वी हैव दीज आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन भी पूछा जाता है ये जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज बट ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते ही हैं जो इन जनरल प्रॉपर्टीज को ना फॉलो नहीं करते हैं वो हम एक्सेप्शन में डिस्कस करेंगे ठीक है जैसे अगर हम मरकरी एच की बात करें तो ये क्या होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे नेक्स्ट वी हैव सोनोरस ठीक है सोनोरस का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर हम मेटल ले रहे हैं ना तो इजिली ना वो साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर आप उसको स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा जैसे आपने बेस देखी होंगे अपने स्कूल में वो वो किसकी बनी होती है? वो हमेशा ही मेटल की बनी होती है और मेटल की क्यों बनी होती है बिकॉज उसमें सोनोरस प्रॉपर्टी होती है अगर आप स्ट्राइक करोगे किसी भी मेटल को तो इन दैट केस वो क्या प्रोड्यूस करेगा साउंड प्रोड्यूस करेगा ठीक है ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोई भी नॉन मेटल ले लें कोल ले लो आप तो उसको स्ट्राइक करो वो आवाज नहीं देगा ठीक है तो हेंस प्रॉपर्टी किसमें है सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में ही होती है

कहते हैं इनको कहते हैं हम एनायंस तो जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें ये भी हमारे पास क्या है दिस इज अ नॉन मेटल तो ये क्या करता है ये Cl माइनस में चेंज हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है ये डोनेट नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है इस केस में व्हिच मींस हमें यहाँ पे को लिखना पड़ेगा दिस विल बी सी एल प्लस इलेक्ट्रॉन तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया और ये किसमें चेंज हो गया इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये एक एनायन में चेंज हो गया है एंड इनमें हमेशा होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स ठीक है जैसे सी एल टू हम डिस्कस करेंगे एच टू हम डिस्कस करेंगे ओ टू हम डिस्कस करेंगे एन टू हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हम कोवलेंट बॉन्ड्स को इन डिटेल समझेंगे कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड ही होता है एंड जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं उनमें भी क्या है कोवलेंट बॉन्ड ही है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि कार्बन कम्पाउंड में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज तो हम देख चुके हैं मैंने आपको बताया था जो भी नेगेटिव प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आ जाएंगी तो ये मेलियेबल भी नहीं है ये डक्टाइल भी नहीं है ये अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम जो भी प्रॉपर्टीज़ पे नेगेटिव में आ जाएंगी वो हार्ड था तो ये सॉफ्ट है ठीक है लस्ट्रोस यहाँ पे ये नहीं है तो ये शाइनी बिल्कुल नहीं है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका देन ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन है ठीक है एच Cl2 तो ये हमारे पास क्या है दीज ऑल आर गैसेज नेक्स्ट वी हैव ये सोनोरस भी नहीं होता है जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है तो अगर आपको एक की प्रॉपर्टीज लर्न हो गई है तो आप दूसरे की इजिली कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास अब आ गया है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स मेटल्स एंड नॉन तो यहां पे जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है ना सब लिख देना और यहाँ पे हमने खाली ऐसे डिफरेंस टाइप देख रखा है तो एक टाइन्स बना रहा है पॉजिटिव है जो कि मेटालिक लस्टर है गुड कंडक्टर्स है मेलेबल भी है डक्टाइल भी है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे सुनोरस है और भी बहुत प्रॉपर्टीज हमने देखी थी तो सारी प्रॉपर्टीज आप इजिली यहां पे मैंशन कर सकते हो नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन मैंने आपको बताया जनरली प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं बट ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि उन प्रॉपर्टीज को ना बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते हैं इवन वो नॉन मेटल्स केस में भी होता है तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं हमने क्या कहा था अभी कि जो मेटल्स है वो जनरली हमारे पास सॉलिड्स होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो सॉलिड हमारे पास ना भी हो। तो एक ऐसा आपसे पूछा जाता है कि आप हमें एक ऐसा मेटल बता दो जो कि सॉलिड नहीं है तो आप क्या बताओगे एच यानी कि मरकरी। तो ये क्या होता है ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर नेक्स्ट एक नॉन मेटल आप बता दो जो कि क्या होता है जो कि हमारे पास लिक्विड होता है तो हमारे पास आंसर क्या होगा ब्रोमीन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने कहा बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स बट ऐसे भी कुछ मेटल्स होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है वो यहां पे देखो जो हमारे पास सोडियम है पोटैशियम है ठीक है पोटेशियम इस के और एन ए क्या होता है हमारे पास सोडियम तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना काफी कम होता है तो अगर आप अपने हाथ में भी कभी इनको रखोगे ना तो ये मेल्ट कर जाते हैं इवन रूम टेम्परेचर पे ठीक है तो इसीलिए ये एक हमारे पास क्या है एक्सेप्शन है देन वी हैव डायमंड आपको पता है ना डायमंड क्या होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है और ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है तो स ये हमारे पास एक नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए लो जबकि इसका काफी ज्यादा हाई होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं लस्टर में यानी कि चमक में तो आयोडीन जो है ना हमारे पास आयोडीन एंड डायमंड तो ये काफी ज्यादा लस्ट्रस होते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि डायमंड जो है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है डायमंड तो आपको पता है ज्वेलरी बनाने में तो इसका भी यूज करते हैं ना हम डायमंड की रिंग ठीक है काफी ज्यादा कॉस्टली होती है तो ये जो डायमंड है ये काफी ज्यादा लस्टर्स भी है और अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आयोडीन भी मेंशन कर सकते हो तो ये दो हमारे पास ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि लस्टर्स हैं जबकि जनरली अगर हम देखें नॉन मेटल्स लस्टर्स नहीं होते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम और क्या क्या हमारे पास एक्सेप्शन है तो यहाँ पे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस तो देखो जो हमारे पास हमने के और एन डिस्कस करा था सोडियम एंड पोटेशियम हमने वहां पे डिस्कस करा था तो हमने पढ़ा कि ये हमारे पास एक तो इजीली मेल्ट हो जाते हैं एंड ये ना काफी ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं तो इजीली इनको ना आप नाइफ से भी कट कर सकते हो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो ये भी एक एक्सेप्शन है देन उसके बाद नेक्स्ट uh, हमारे पास अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड अभी हमने देख लिया है ये ऑब्वियसली दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन तो ये क्या है हमारे पास काफी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है ठीक है तो ये दो हमारे पास एक्सेप्शन हो गए कि एक हमारे पास ऐसा मेटल भी है जैसे आप कोई सा भी बता सकते हो इन दोनों में से तो हमारे पास ऐसे मेटल्स भी है जो कि सॉफ्ट है और ऐसे नॉन मेटल्स भी है जो कि हार्ड है ठीक है नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट अब आप कहोगे ग्रेफाइट क्या आ गया है so सो ये जो ग्रेफाइट होता है ना ये भी एक एलो ही होता है हमारे पास तीन एलू ट्रॉप्स होते हैं किसके कार्बन के तो ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप ही होता है अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चीज देख लेते हैं तो यहाँ पे आप ये सब चीजें देख सकते हो दिस इज मर्करी तो ये ऑब्वियसली एक लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर नेक्स्ट यहाँ पे ये सारी चीजें हैं तो इसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं तो आई थिंक दिस इज प्रिटी क्लियर काफी अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी देन इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी तक जो हम देख रहे थे ना दीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि उनके अपियरेंस के बेसिस पे हम उन्हें जज कर रहे थे जबकि यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे ऑफ मेटल्स उसके बेसिस पे ही देखेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा ही दी थी तो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी नहीं भी देखी है तो एक बार चेकआउट कर लेना अदरवाइज यहाँ पे भी ना हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रिक के साथ ही उसको लर्न करेंगे तो देखो यहां पे सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो इतना आपको पता है ऑक्साइड बनेगा और ये मेटल के साथ रिएक्शन है तो ऑब्वियसली कौन सा ऑक्साइड बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड या फिर हम नॉर्मली मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं सी यानी कि कॉपर की, की रिएक्शन अगर आपने किसके साथ करी है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे क्या बन गया सीयू ओ इधर पे बन गया है ए के साथ करी तो ए एल यहाँ पे बन गया है बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई ही है कि अल्यूमिनियम इस फॉर्म में होता है और ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सी ऑक्साइड बनेगी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन द सेम रेट ऑब्वियसली बिकॉज हमें पता है जो रिएक्टिविटी है वो हर मेटल की क्या होती है अलग अलग होती है तो अगर रिएक्टिविटी ही अलग अलग है तो अलग अलग रेट से ही तो वो रिएक्ट करेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो रेडिली रिएक्ट कर जाएंगे जो लेस रिएक्टिव हैं वो टाइम लगाएंगे या फिर नॉर्मली रिएक्ट नहीं भी कर सकते हैं बर्न नहीं करेंगे तो ये चीजें इधर पे ऑब्वियसली होंगी ही ड्यू टू डिफरेंस इन द रिएक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स तो यहाँ पे हम वही चीज देखते हैं सबसे पहले हमें पता है मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कौवे ने कहा मोगली ठीक है सो के एन सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे पास ये दोनों क्या हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं ऑब्वियसली तो ये क्या करेंगे ना विगरसली रिएक्ट करेंगे एंड ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक होगी हीट भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे सोडियम डायरेक्टली रिएक्ट कर देगा और यहाँ पे क्या बन जा रहा है सोडियम ऑक्साइड इधर पे फॉर्म हो जा रहा है तो ये हमारे पास सबसे पहले हो गई एंड क्या होता है ना कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं कि नॉर्मल हमारे आसपास बहुत सारी ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है तो अगर आप इन मेटल्स को ना खुला छोड़ दोगे तो क्या करेंगे ये रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे एन बन जाएगा एंड यहाँ पे दे में इवन कैच फायर तो ये क्या कर रहे हैं ना इजिली बर्न कर जा रहे हैं अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न कर जा रहे हैं एट रूम टेम्परेचर ओनली तो ऑब्वियसली ऐसे तो हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं इसीलिए इनको नारोम तो और पोटासम को हमेशा ही कैरोन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं इसका मेन रीजन यही है कि इफ दे आर कैप्टन ओपन तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे बर्न दे कैच फायर ठीक है तो ये रीजन आपको इधर पे मैंशन करना है आप चाहो तो ये जो रिएक्शन है इसको भी मैंशन कर सकते हो जो की काफी सिंपल है देन वी हैडिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक अब ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे अब इनके नीचे को थोड़ा सा हम आए तो यहाँ पे जिंक है यहाँ पे लेड है तो ये सब क्या करते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे प्रीवियस वाले में हमने देखा था ना एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है Al2O3 तो ये जो Al2O3 की लेयर है ये इसकी ऑक्साइड लेयर बन जाती है और अगर मान लो ये हमारे पास मेटल है तो ये ऑक्साइड लेयर क्या करती है इसी के बाहर से इकट्ठा हो जाती है रिमेंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एमजीओ की लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम रिबन के बाहर से ही तो ये जो MgO की लेयर है इसको ऑब्वियसली हमें रिमूव करना पड़ता है तो सेम यही चीज है ए एल टू ओ थ्री की भी लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के बाहर से एंड इनको ना रिमूव करना पड़ता है अगर हमें कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड कराना है उससे पहले तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है अब ये प्रोटेक्टिव लेयर कैसे फॉर्म हो सकती है तो इसका सिंपल सा मतलब है हमने क्रोजन पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे तो क्रोजन की वजह से क्या होता है कोई भी जो मेटल की अच्छी प्रॉपर्टीज है वो खराब हो जाती है तो यहाँ पे अगर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी बाहर से है तो फर्दर वो मेटल ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है इन दी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर तो उसमें क्रोजन नहीं अकर करेगा तो इसीलिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड एक हमारे पास प्रोसेस आता है जिसका नेम है एनोड

बाहर से प्रोटेक्टिव वाली फॉर्म हो जा रही है अगर इस प्रोटेक्टिव लेयर को मुझे और ज्यादा मजबूत बनाना है उसके लिए हम एनोडाइजिंग का यूज करते हैं देखो एनोडाइजिंग तो एनोड से तो रिलेटेड है तो इसमें क्या होता है ना ऑक्सीजन रिलीज होती है एनोड पे और हमने एल्यूमिनियम का जो भी मेटल है उसको भी क्या बनाया है एनोड ही बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई तो एल्यूमिनियम फर्दर फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है एंड यहाँ पे ये लेयर हमें देखने को मिलती है यही चीज इधर पे भी मेंशन करी हुई है अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इट इज मेड द एनोड तो एल्युमिनियम के आर्टिकल को हमने एनोड बनाया हुआ है एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं तो इनको भी आप जरूर प्रैक्टिस करना देन वी हैव तो ऑक्सीजन व्हिच इज इवॉल्वड और इट इज रिलीज्ड एट द एनोड तो ये हेल्प करता है एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाने में ठीक है तो ये हमारे पास एनोडाइजिंग है एनोडाइजिंग जो है ना इसको हम क्रोजन में भी यूज करते हैं लाइक के प्रिवेंशन में यूज करते हैं ठीक है तो ये एक हमारे पास चीज हो गई नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में ही जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे देखो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स जो है वो बर्न करती है अब आप सोच रहे हो ना कि आयरन तो नहीं हो रहा है बट आयरन फिलिंग्स क्यों कर रही हैं इसका भी रीजन होता है जो कि एनसीईआरटी में तो मेंशनड नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसका रीजन होता क्या है यहाँ पे ना सरफेस एरिया का खेल होता है अब आप कहोगे सरफेस एरिया से होता क्या है अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होती है ना तो हमेशा जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है ये वैसे क्लास ट्वेल्थ में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रही हूँ सो so दैट आपको अभी से ही ये चीजें समझ में आ तो तो अगर एरिया बढ़ेगी तो reactivity भी बढ़ेगी रिएक्टिविटी भी 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 ठीक है अब जब हम किसी चीज को पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं यहाँ पे तो हमने जैसे आयरन फिलिंग्स यूज करी है ये भी थोड़ा बहुत हम पाउडर्ड फॉर्म समझ सकते हैं इसका ऑब्वियसली तो जब भी हम किसी भी चीज को पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है ठीक है तो इसीलिए आयरन तो रिएक्ट नहीं कर रहा है जबकि आयरन फिलिंग्स जो हैं, वो डेफिनेटली रिएक्ट कर रही हैं। दे बर्न विगरेसली वेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर यानी कि सिंपली बर्न कर करेंगे सो दे बर्न विगरेसली अगेन जैसे सोडियम रिएक्ट कर रहा था ठीक है कॉपर जो है वो बर्न तो नहीं करता है बट उसकी लेयर यहां पे बन जाती है सीयू ओ की ओब्वियसली हमने देखा है अभी सीयू अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो यहां पे सी यू ओ की लेयर बन जाएगी विच इज कॉपर ऑक्साइड तो यहां पे ब्लैक कलर की होती है ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा है तो इसकी लेयर बाहर से क्या हो जाएगी कोट हो जाएगी देन वी हैव सिल्वर एंड ऑक्सीजन ये तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे इवन एट हाई टेम्परेचर क्योंकि ये हमारे पास क्या है दीज आर द नोबल मेटल्स ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है लीस्ट होती है ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है है उसमें आते आते हैं आते हैं हैं बिल्कुल नीचे ठीक चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हमारे पास क्या है नेचर ऑफ़ मेटल ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स मेटल हमने पढ़ तो लिया कि CuO बन रहा है, Al2O3 बन रहा रहा है है Al2O3 इनका नेचर होते हैं है? हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ऐसा क्यों है इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था टेबल में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है इनको हम क्या कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं और सेकंड को एल्कलाइन अर्थन मेटल्स कहते हैं तो ऐसे आप रिलेट करके भी लर्न कर सकते हो तो यहाँ पे जो भी हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है उसमें क्या है सबके सब मेटल्स हैं तो ऐसे आपको रिलेट हो गया अभी तो हमने देखा था ना इधर वाले सब के सब मेटल्स हैं और उधर वाले क्या हैं हमारे पास नॉन मेटल्स हैं तो इधर वाले जितने हैं वो मेटल्स हैं और मेटल्स क्या होते हैं अल्कलाइन होते हैं यानी कि बेसिक होते हैं व्हिच मींस इनकी जो ऑक्साइड है वो भी क्या होंगी वो भी ऑब्वियसली बेसिक होंगी इन नेचर तो ये हमने पढ़ लिया अब एक टर्म आता है एम्फोटेरिक का एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो कि दोनों होंगी बेसिक भी होंगी वो और एसिडिक भी हो जाएंगी नेचर में ठीक है तो हेंस उनको हम एम्फोटेरिक कह देंगे तो देखो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं ए क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो क्या है एम्फोटेरिक होता है इन नेचर तो ये एच यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और एन यानी कि बेस के साथ भी रिएक्ट करता है ठीक है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए एल सी एल थ्री और यहाँ पे पानी बन जाएगा इन द सेम वे इसके साथ अगर रिएक्शन होगी ना तो आपको याद है सोडियम जिंकेट हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट और इसका फॉर्मूला होता है एन ठीक है तो वहां पर क्या फॉर्मूला था एन ए टू जेड एन

वो ज्यादातर क्या होती है इनसोल्यूबल इन वाटर होती है बट अगर वो पानी में सोल्यूबल हो चुकी है तो इन दैट केस उनको हम क्या कहते हैं एल्कलीस ये हमने पढ़ा हुआ है ना एसिड्स बेसिस में हमने एल्कली पढ़ा था एल्कली ऐसा बेस होता है जो कि पानी में सोल्यूबल होगा तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये भी तो बेसिक है नेचर में तो अगर ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं अगर ये पानी में सोल्यूबल हो गई तो इनको एल्कली कहेंगे अदरवाइज ये जनरली इनसोल्यूबल रहते हैं इन वाटर ठीक है जैसे एन है के है तो ये एन एंड के

एल्कली फॉर्म करेगा यानी कि जो भी हमारे पास मेटल है ठीक है तो उसका जो भी ऑक्साइड होगा अगर वो पानी में सोल्यूबल होगा तो डायरेक्टली ये मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड यहाँ पे बनाने वाला है ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड यहाँ पे बनाने वाली है जबकि हमें पता है सारे मेटल जो ऑक्साइड्स हैं वो सोल्यूबल नहीं होते हैं इन वाटर ठीक है चलो यहाँ पे रिएक्शन हम देख लेते हैं सबसे पहले हम के और एन ए की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं अगर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं तो ये क्या करते हैं ना ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं आपको मतलब यहाँ पे टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं होगी आपको हीटअप करने की जरूरत नहीं होगी ये ठंडे पानी के साथ भी बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन देंगे बहुत ज्यादा वॉयेंट रिएक्शन यहाँ पे देने वाले हैं सो दिस रिएक्शन इट इज हाईली वॉयेंट एंड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक ऑल्सो ठीक है तो ये चीज इधर पे है हमारे पास तो के प्लस एच टू ओ तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन जाएगा के ओ एच इधर पे बन गया है एंड यहाँ पे एच टू एंड यहाँ पे काफी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है तो ये चीज इधर पे हमने देखी थी पे 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 Na plus H2O, तो तो क्या बन गया NaOH plus H2, तो यहाँ पे देख लेते हैं चार हाइड्रोजन है यहाँ पे भी चार हाइड्रोजन तो ये भी इधर पे क्या है बैलेंस्ड है देन वी हैव हीट तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये हमने इधर पे देख लिया है जो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है ना That catches fire. आपको पता है अगर हम लाइक uh, like, uh, ले जाएंगे वहां पे कैंडल वगैरह सो इट बर्न्स विद साउंड है तो कम हो, हो गई है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ करता तो है बट इतनी ज्यादा विगरसली नहीं करता है ठीक है द हीट इवॉल्व फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो फायर नहीं कैच करती है तो सी ए प्लस एच टू ओ तो यहाँ पे बन गया सीए ओ एच टू प्लस इधर पे क्या रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैल्शियम फॉर्म हो रहा है वाई डज इट स्टार्ट फ्लोटिंग तो ये फ्लोट करना इसीलिए स्टार्ट करता है क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं ना वो उस मेटल के सरफेस से ना चिपक जाते हैं एंड हेंस यहाँ पे क्या होता है अगर जो भी हाइड्रोजन के बबल्स बने हैं वो कैल्शियम के सरफेस से चिपक गए हैं सो इन दैट केस कैल्शियम क्या करता है इट स्टार्ट फ्लोटिंग सिमिलर रिएक्शन हमें देखने को मिलती है किसके साथ मैग्नीशियम के साथ भी तो मैग्नीशियम भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है बट द ओनली डिफरेंस इज दैट ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सिमिलर रिएक्शन हमें देखने को लेगी और मैग्नीशियम के केस में भी क्या होगा जो मैग्नीशियम है ठीक है तो हाइड्रोजन के जो बबल्स है ना वो इससे स्टिक कर जाएंगे एंड हेंस जो मैग्नीशियम है दैट विल फ्लोट सो ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस ये फ्लोट करने लग जाएगा नेक्स्ट वी हैव एलुमिनियम आयरन एंड जिंक दे डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और विद हॉट वाटर तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे ये करेंगे स्टीम के साथ रिएक्ट स्टीम आपको पता है जो भाप होती है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन हमें किस फॉर्म में मिलती है यहाँ पे हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आयरन वाली देखो इसमें तो हमें पता है Al2O3 ही बनेगा जबकि आयरन में बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं ना क्योंकि आयरन की जो ऑक्साइड है वो FeO भी होती है वो एफ ई टू ओ थ्री भी होती है जबकि यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं बनता है यहाँ पे क्या फॉर्म होता है एफ ई थ्री ओ फोर और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी सॉरी फॉर्म करेगी इधर पे, ठीक है देन सच एज लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ये तो बिल्कुल भी पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है इनकी रिएक्टिविटी होती है लीस्ट तो आई थिंक यहां तक का तो आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं इसका डायग्राम सो दिस इज द डायग्राम ठीक है देखो ये ना स्टीम वाले के लिए है अब स्टीम वाले में डिफरेंस क्या आ गया है यहाँ पे थोड़ा सा वो देख लेते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लास वूल सोक्ड इन वॉटर तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे वूल ले रखा है सपोज ये सोच लो ठीक है इट इज सोक्ड इन तो तो पे पे इसमें पानी होगा ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आप इसको बर्न करोगे बाय हेल्प ऑफ बर्नर क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगी स्टीम प्रोड्यूस होगी तो ये मेटल सैंपल के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हो गई है तो फिर हम डिलीवरी ट्यूब से इसको पास और यहाँ पे हमने सोप सोल्यूशन ले रखा है तो उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमको मिल जाएगी ठीक है अगर हमने सिंपली क्या लिया होता सोप सोल्यूशन इधर पे लिया होता सो इन दैट केस क्या होता यहाँ पे हम कैंडल अगर ले जाते तो यहाँ पे बबल्स बनते ना तो अगर हम कैंडल वहां पे ले जाते सो इट वुड है पॉप साउंड ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सो दिस इज द सिंपल डायग्राम अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में ये रिएक्शन वैसे हम देख चुके हैं ऑलरेडी तो एसिड्स के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो इधर पे सॉल्ट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ये हमने एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट वाले चैप्टर में भी देख लिया है नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस इट इज नॉट अ मेटल रियाक्ट विद नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है एच ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है ना दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंट तो ये क्या करेगा अगर ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे अगर H2 टू प्रोड्यूस हो रही है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें किस में तो हमें कोई भी हाइड्रोजन गैस उस केस में नहीं देखने को मिलेगी और जो एच एन ओ थ्री है ये भी किसमें चेंज हो जाता है ये अपने ऑक्साइड्स में यानी कि किसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है जैसे हमें एनओ मिल सकता है एनओ टू मिल सकता है एन टू ओ मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी एक्शन हम उधर पे करा रहे हैं

ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब एक्वारेजिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्वारेजिया कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक्वारेजिया में वन रेशियो थ्री होता है या फिर थ्री रेशियो वन होता है तो वो भी देख लेते हैं देखो HCL और HNO3 का रेशियो होता है थ्री रेशियो वन एच नाम आपने पहले सुना होगा एच नेम आपने बाद में सुना होगा ना ऑब्वियसली सो एच जो है ऐसे याद करो ज्यादा अच्छा एसिड होता है तो अगर ये ज्यादा अच्छा एसिड है तो इसका हम ज्यादा पार्ट लेंगे हमेशा तो अगर क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाए कि आप बताओ एच और एच का कितना रेशियो है तो उस केस में आप क्या बताओगे उस केस में आप कहोगे वन रेशियो थ्री होता है क्योंकि इतना आपको याद हो गया एच के हमेशा हमें कितने पार्ट्स लेने हैं तीन पार्ट्स लेने हैं ठीक है ठीके? तो ये हमारे पास हो गया यही चीज इधर पे भी लिखी हुई है एक्वा ना काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम अलग से एच को देखें और अलग से एच एन ओ थ्री को देखें तो क्या ये नोबल मेटल्स यानी कि गोल्ड या फिर प्लैटिनम को डिसॉल्व करा सकता है नहीं करा सकता है जबकि जो एक्वारेजिया हम बना रहे हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से ये गोल्ड और प्लैटिनम को तक डिसॉल्व कर सकता है ठीक है तो हाईली क्रोजिव होता है एक्वारेजिया यहाँ पे वही चीज हमने लिख भी रखी है डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ वीज एसिड्स दोनों में से इंडिविजुअली कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है

मेटल सॉल्ट बहुत सिंपल है एफ ई प्लस सी यू एसओ फोर आपको याद आ रहा होगा ये रिएक्शन हमने कहा पढ़ी थी ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रियक्शन में हमारे फर्स्ट चैप्टर में तो अगर यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ पे हमें सॉल्ट सोल्यूशन मिलता है किसका इसका ए क्या और इधर पे मेटल बी हमें देखने को मिलता है दिस इज द मेटल बी तो यहाँ पे प्लस सी यू हो जाएगा तो आई थिंक दिस इज सिंपल तो ये भी यहाँ पे हमने वही टेस्ट कर रखा है तो इसमें देखो हमने क्या किया है एक हमने टेस्ट ट्यूब ली हुई है इसमें आयरन की नेल डाली है दिस इज द आयरन नेल ठीक है और ये सोलूशन ब्लू कलर का है मैंने आपको बताया था सीयूएसओ फोर जहां पे भी आपको कॉपर आयन दिख रहा है सी यू टू प्लस वहां का कलर क्या होता है वहां का कलर होता है ब्लू ठीक है तो ये हमने आयरन नेल को इसमें डाल दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा एफ ई एसओ फोर इधर पे फॉर्म हो जाएगा और दूसरे में हमने क्या किया है यहाँ पे कॉपर की वायर है और यहाँ पे एफईएसओ फोर हमारे पास है तो अगर हम कॉपर प्लस एफ ई ओ फोर करेंगे तो क्या ये रिएक्शन होगी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे जबकि अगर हम इस की बात करें ठीक है इस वाली टेस्ट ट्यूब की तो ये इसमें चेंज हो जाएगा यहाँ पे कॉपर वायर हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास आयरन सल्फेट का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा सो तो ये दोनों की रिएक्शन से ये चीज हमें इधर पे देखने को मिलेगी ठीक है जबकि ये वाली रिएक्शन फेजेबल नहीं है जिसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्या होती है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई थी ट्रिक आई होप आपको याद होगी नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ वापस से कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है आगे आओ ठीक है सो दिस इज द ट्रिक जिससे आप इजिली ये पूरी चीजें लर्न कर सकते हो या आपको पता है के क्या होता है पोटेशियम दिस इज सोडियम ये सबसे ज्यादा क्या है रिएक्टिव है ये मोस्ट रिएक्टिव है ठीक है फिर नीचे वाले में क्या होगा ये मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे फिर जैसे ही हाइड्रोजन के नीचे की हम बात करेंगे ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ठीक है नीचे क्या होती है रिएक्टिविटी हमेशा ही डिक्रीज करती है सो रिएक्टिविटी इट इज डिक्रीजिंग और नीचे वाले हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होंगे ठीक है तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है इसमें कुछ ऐसा है नहीं नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ना मैं इसे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज्यादा ना कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है एन की फॉर्मेशन कैसे होती है इतना मैं आपको बता देती हूँ ये हमारे पास क्या है एक आयनिक कंपाउंड है अब आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं अगर यहाँ पे आयंस होंगे यानी कि एक मेरे पास क्या होना चाहिए कैटायन होना चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए एनायन होना चाहिए आपको पता है क्योंकि केटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज होगा कैंसिल और एक क्या बन जाएगा यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा ठीक है तो इधर पे हमें एन ए सी एल ही प्रिपेयर करना है एन ए प्लस और सीएल माइनस ठीक है प्रिपरेशन मेथड नहीं है ये फॉर्मेशन देख रहे हैं समझ में आया तो एनए प्लस कैसे बनता है देखो अगर हम सोडियम की बात करें तो ये मुझे पता है दिस इज अ मेटल और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है इलेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर हम लिखे टू कॉमा एट कॉमा वन यही होगा ऑब्वियसली तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देखो एक इलेक्ट्रॉन है अब कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ये एक को बाहर निकालना पड़ेगा यही बीच में टांगण आ रहा है वरना तो ये पूरा था ना इसका ऑक्टेट अब ये बीच में आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा ठीक है दूसरे अगर हम क्लोरीन की बात करें इसका होता है सेवनटीन तो टू कॉमा एट कॉमा सेवन ये क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है यहाँ पे अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दो तरीके से हो सकता है एक तो ये एक इलेक्ट्रॉन खुद में ले ले तभी भी यहाँ पे प्लस वन होगा और यहाँ पे आठ बन जाएगा या फिर ये सात के साथ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले अब खुद आपको पता चल गया होगा इजी चीज क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को खुद में ले ले ठीक है क्योंकि सात इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये तो हम कर नहीं सकते हैं ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को खुद में ले लेगा इसी को हम वैलेंसी भी बोलते हैं वैलेंसी का क्या मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है किसी भी एलिमेंट की ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है इसकी वैलेंसी कितनी है वन ये एक इलेक्ट्रॉन को लेके कंप्लीट कर पा रहा है तो इसकी वैलेंसी भी वन है जबकि अगर हम बात करेंगे वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तो अलग चीज होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी तो एक है जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सात क्योंकि बाहर वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें सात है ठीक है तो ये दोनों में भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा अब हम देख लेते हैं इसको मैं इरेज कर देती हूँ ये वाला पोर्शन तो हमने देख लिया है एंड ऑक्टेट को ही हम एक और चीज कहते हैं आ, हम इसको आ, क्या कहते हैं स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन भी ठीक है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन क्यों कहते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहता है तो एक नोबल गैस के फॉर्म में ही हम उसका क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बना रहे हैं इसीलिए इसको हम स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी बोलते हैं ठीक है तो चलो ये इतना तो समझ में आ गया इसको अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और इसको वो चाहिए है तो ये इसको दे देगा सिंपल ना तो यहाँ पे क्या होगा गिव एंड टेक रिलेशन होता है तो जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं ठीक है जहां पे शेयरिंग होगी उसको हम कोवलेंट कहते हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एन ए अगर क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो ये ऑब्वियसली के टायन में चेंज होगा ना क्योंकि इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके का होगा अगर हम क्लोरीन की बात करें ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एल माइनस बन जाएगा ठीक है तो आई थिंक ये चीज आपको इधर पे समझ में आ गई होगी तो यही चीज हमें डिस्कस करनी है तो यहाँ पे क्या होगा एन प्लस बना और सी एल माइनस बना तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया इन दोनों ने मिलकर बना दिया एन ए सी एल ठीक है तो ये चीज इधर पे हमें देखनी है तो यहां पे इस तरीके से ये आ जाएगा एन ए सी एल तो यही चीज इधर पे भी मैं ठीक है थीके? इसको देख लेते हैं तो यहां पे क्या हुआ देखो एन ए प्लस और ये ई e माइनस है विच इज द इलेक्ट्रॉन देन यहाँ पे Cl है इसने एक्सेप्ट कर लिया उसको तो इस फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देन हमें मिल गया है Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होगा जबकि अगर Cl का पूछा जाएगा तो ये होगा तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है कई बार एग्जामिनर ना कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं तो ये चीज हमें देखनी है तो ये बाहर वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन था इसने किसको दे दिया क्लोरीन को तो यहाँ पे इसके पास कितने आ गए ये यह टोटल यहाँ पे आठ आ चुके हैं और इसके आउटर मोस्ट में भी आठ ही हैं बट उनको हमने रिप्रेजेंट क्यों नहीं करा है क्योंकि जो हमारे पास बाहर वाली शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन अब लूज हो चुका है ठीक है तो इसके लिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बाकी तो आपको पता ही है एन क्या होता है नमक टेबल सॉल्ट जिसको हम यूज करते हैं ठीक है तो ये चीज भी हमने देख ली है नेक्स्ट हम मैग्नीशियम क्लोराइड भी देख लेते हैं तो मैग्नीशियम का टू एट टू कॉन्फिग्रेशन होता है तो यहाँ पे अगर हमारे पास मैग्नीशियम है तो ट्वेल्व है इसका ठीक है तो टू कॉमा एट कॉमा टू अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं इसके आउटर मोस्ट में तो दो है तो ये क्लोरीन को कैसे देगा तो ये ना दो क्लोरीन एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब जाके एमजीसीएल टू बनता है जो भी उसका फॉर्मूला है ना वहीं से आप समझो तो आपको इजी रहेगा हमें पता है ये होता है एम जी सी एल टू तो ऑब्वियस इधर पे दो आटम्स है, तो पहले, हम Mg को अगर, तो अगर फॉर्मूला का भी आइडिया है तो आप समझ जाओगे ये कैसे होता है देखो एम जी टू प्लस होता है और सीएल माइनस होता है तभी जाके क्या बनता है एम जी सी एल टू बनता है ठीक है विच मीन्स अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा लूज करेगा तो एम जी टू प्लस ठीक है तो यहाँ पे आ, एम जी लिख लेते हैं पहले तो अगर हम एम जी की बात करें ये होगा एम जी टू प्लस में चेंज तो दो इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर दिया लूज कर दिया ठीक है तो ये समझ में आ गया उसके बाद नेक्स्ट हम क्लोरीन की बात करते हैं अगेन अगर हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो यहां पर सीएल माइनस में चेंज हो रहा है ये एक्सेप्ट करेगा तो प्लस इधर पे इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे दो हमारे पास क्या होने चाहिए क्लोरीन होने चाहिए ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला में ही दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पे टू 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 इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा ठीक है यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको दिख रहा है ये एक है और ये दूसरा है तो इधर पे क्या है दो हमारे पास क्लोरीन आटम है कुछ बच्चों को मे भी कंफ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ सीएल माइनस लिखा है इधर पे दो सीएल माइनस क्यों आ रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बताती हूं अगर मैं एम जी सी एल टू को ब्रेक करके इस तरीके से रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं ठीक है तो ये हो जाएगा एम जी टू प्लस प्लस क्या हो जाएगा सीएल माइनस ये है अनबैलेंस्ड क्यों है ये अनबैलेंस्ड एम जी एक है एम जी एक है क्लोरीन तो दो है उधर पे तो क्लोरीन एक ही है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे टू एड करना पड़ेगा अब हमने पूरी रिएक्शन लिख ली है एंड यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि इधर पे हमारे पास दो क्लोरीन होने चाहिए ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है ये फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए है ये टोटल उसमें कितने क्लोरीन आइटम्स हैं उसके लिए है और बाकी हम यहां से भी उसको देख सकते हैं कि दो क्लोरीन आइटम इधर पे हमारे पास होने चाहिए ठीक है तो ये हमारे पास आ गया दोनों को अगर हम ऐड भी करेंगे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा एम जी सी एल टू इधर पे फॉर्म होने वाला है ठीक है तो मैग्नीशियम ने क्या किया इसको अगर मैं नॉर्मली बनाऊं तो हमारे पास क्या होगा कुछ इस तरीके से ये बनेंगे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आप आठ बना देना ठीक है और इधर पे हम दो बना देंगे फिर से तो यहाँ पे अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है एक इस वाले क्लोरीन को करेगा यहाँ पे टोटल बाहर कितने होंगे सेवन होंगे ठीक है यहाँ पे एक और क्लोरीन आप ले लो इधर पे मैं एम लिख देती हूँ यहाँ पे एम लिख दिया हमने ठीक है तो अगेन यहाँ पे दो हुए यहाँ पे आठ हुए यहाँ पे सात तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया है एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को दिया है तो यहाँ पे ये भी सीएल माइनस बन जाएगा ये भी सीएल माइनस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा उसके बाद एम जी टू प्लस बन जाएगा सो आई थिंक समझ में आ गया होगा इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सिंपल सी ही यहाँ पे चीज है तो वही हमने इधर पे भी मैंशन किया हुआ है एम जी एम जी टू प्लस बना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यही इसका कॉन्फिगुरेशन आ गया वहां पर एनए प्लस का भी कॉन्फिगुरेशन क्या था यही वाला था उसके बाद क्लोराइड एनायन बन चुका है इधर पे और ये ऑब्वियसली कैटायन होगा हमारे पास तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करा है बाहर इसके कितने थे देखो दो हैं तो एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, तो दिया तो इधर पे एम जी टू प्लस बन गया और क्लोरीन दो हैं वैसे आप ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इन्होंने नीचे अगर टू लिख दिया है तो उसका वही मतलब है कि दो क्लोरीन इधर पे हैं ठीक है चलो अगर इस तरीके से कुछ भी पूछा जाएगा तो आई होप आप अब कर सकते हो तो ये जो हम कम्पाउंड डिस्कस कर रहे हैं एन हमने देखा MgCl2 हमने देखा ये क्या है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो भी होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अच्छी होती हैं जैसे मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स मेटल्स की प्रॉपर्टीज अच्छी हैं नॉन मेटल्स की बुरी है सेम चीज यहाँ पे भी है आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल नेचर यानी कि फिजिकल स्टेट तो क्या है देखो ये सॉलिड्स होते हैं जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं नमक देख लो सॉलिड ही है ऑब्वियसली सॉलिड्स होते हैं दे आर ब्रिटिल ब्रिटिल का क्या मतलब होता है दे कैन ईजिली बी ब्रोकन डाउन इन टू पीसेस अगर हम उस उसपे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ठीक है उसके बाद इनमें ना काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एन ए प्लस है सी एल माइनस है तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली ठीक है तो यहां पे काफी ज्यादा ये हार्ड भी होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है क्यों होता है रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है काफी ज्यादा हाई होता है ठीक है सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं जबकि जो भी हमारे पास केरोसिन है पेट्रोल है या फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है ये इनसॉल्युबल होता है क्योंकि हमारे पास एक चीज होती है विच इज नोन एज लाइक डिजॉल्स लाइक अगर हम कह रहे हैं लाइक डिजॉल्स लाइक तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास पोलर सल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व करेगा नॉन पोलर सल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व करेगा तो लाइक डिजोल्व लाइक आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो इनमें ना पोलैरिटी जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से पानी में सोल्यूबल होते हैं जबकि जो बाकी सॉल्वेंट्स होंगे उनमें नहीं होगा अगर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ठीक है, तो भी ये conduct definitely करते हैं, and molten state में ही करते हैं और पानी में सोलबलिटी देखने को मिल रही है तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है ना वो भी सिर्फ किस में हो रहा है स्टेट में या फिर मोल्टन में अब पानी में सोल्यूबल हो जा रहा है तो ऐसा हो क्या रहा है ये चीज हमने एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट में भी देखी थी कि अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं उसको अपने आयन्स में डिजॉल्व होना पड़ता है अपने आयन्स में ब्रेक होना पड़ता है तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखने को मिलता है अदरवाइज नहीं देखने को मिलता है ठीक है जैसे हमने देखा था ग्लूकोज ग्लूकोज में हाइड्रोजन है फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है एसिडिक नेचर नहीं देखने को मिल रहा है क्यों क्योंकि वो H में चेंज नहीं हो सकता है तो यहाँ पे भी वही चीज है अपने आयन में जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा सो तो जैसे ये है देखो ये सॉलिड है अगर ये सॉलिड है तो इस केस में क्या होगा ये पूरा एन के फॉर्म में है देखो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बना रखा है ना इधर पे तो ये पूरा पैक्ड है तो यहाँ पे क्या होगा ये माइनस और प्लस आपको दिख रहा है ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करेंगे नहीं करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में ये अपने आयंस में कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं तो इनके जो आयंस हैं वो मूव ही नहीं कर सकते हैं जबकि अब हम बात करते हैं मोल्टन या एक्वस में देखो एक्वस में तो क्या हुआ उसको हमने पानी में डिजोल्व कर दिया है मोल्टन में उसको हम मेल्ट कर देते हैं ठीक है दोनों ही स्टेट में हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखने को मिलता है क्योंकि दोनों में ही वो अपने आयन्स में ब्रेक हो सकते हैं तो क्या होगा जो भी पॉजिटिव वाले हैं वो कहा जाएंगे नेगेटिव की तरफ जो भी नेगेटिव है वो कहा जाएंगे पॉजिटिव की तरफ हमें पता है एनायन कहा जाता है एनोड पे जाता है क्योंकि वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव है कैटायन पॉजिटिव है तो वो कैथोड पे जाएगा जो कि नेगेटिव होता है ठीक है तो यहाँ पे आयंस अब मूव कर सकते हैं तो ये हमने इधर पे देख लिया है ये अगर हम टेस्ट भी करें ना तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है अगर हमने उसको पानी में मिलाया हुआ है सॉल्ट सल्यूशन लिख दिया है तो आपको पता है सल्यूशन वर्ड अगर हमने यूज कर दिया है तो ये फॉर्म है इसको हमने पानी में डिजोल्व करा रखा है ठीक है यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी तो मिस आउट नहीं हुई एक ये बस सिंपल डेफिनेशन है इस तरीके से जो भी हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं किस तरीके से जो प्रीवियस में हमने डिस्कस करा है गिव एंड टेक रिलेशन से सो so अगर यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन से बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो भी रिलेशन फॉर्म हो रहा है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं ठीक है और आयनिक बॉन्ड कह देंगे जो भी उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है नेक्स्ट हम आ जाते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स अकर कैसे करते हैं नेचर में देखो जो भी एलिमेंट ना हमें नेचुरली मिलते हैं चाहे एलिमेंट्स हो या फिर कंपाउंड हो उनको हम क्या कहते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं दो टर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे एक होता है मिनरल और दूसरा हमारे पास होता है ओर अब दोनों में डिफरेंस होता है स्लाइटली और एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स इसका क्या मतलब है नेचर में हमें कुछ भी दिख रहा है जो कि नेचुरली अकरिंग है कोई भी एलिमेंट है कोई भी कंपाउंड है उसको हम सिंपली एक मिनरल कह दे रहे हैं जबकि अगर हमें किसी भी मिनरल को ओर कहना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस मिनरल से हम प्रॉफिटेबली एक पर्टिकुलर मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तभी जाके उसको हम और कहेंगे अब प्रॉफिटेबली हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसका क्या मतलब है कि वो जो भी प्रोसेस हम यूज करेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल वो ना इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए यानी कि उसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली भी क्या होना चाहिए सस्ता होना चाहिए इतना ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए तभी जाके उस पर्टिकुलर मेटल को उस पर्टिकुलर मिनरल को हम एक और लेंगे जिससे हम वो पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बिकॉज़ जितने ओर्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग तो हैं बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स क्योंकि हर एक मिनरल से हम एक पर्टिकुलर मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं यही है इसका सिंपल सा मतलब तो ये चीज हमने इधर पे देख ली है वेन मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल ठीक है मतलब एक मेटल को हम प्रोफिटेबली वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है तभी जाके उसको हम एक और कहेंगे तो आई थिंक दिस इज क्लियर यहाँ पे देख लेते हैं ये जो बॉक्साइट है ना ये अल्यूमिनियम का ओर होता है देन यहाँ पे तो ये जो है घर पे नॉर्मली हमारे पास कोई भी मिनरल्स है जबकि ये बॉक्साइट है तो इससे हम एलुमिनियम को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये हमने इधर पे देख लिया है नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे अगर मेटल्स नेचुरली अगर कर रहे हैं तो इनको हम एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे तो यहां पे ना हमें रिएक्टिविटी सीरीज वापस से देखनी पड़ेगी ये टॉप में क्या होते हैं मोस्ट रिएक्टिव वाले और बीच में क्या आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव नीचे क्या आते हैं लीस्ट रिएक्टिव तो जो भी हमारे पास लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं ना उनको तो हम क्या कर सकते हैं उनको हम नेचुरली देख सकते हैं कि अकर कर रहा है यानी कि ये हमारे पास बिकॉज नोबल मेटल्स हैं तो इनके लिए कुछ खास एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं बिकॉज ये नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेटिव स्टेट यानी कि नॉन रिएक्टिव स्टेट ये नोबल क्यों कहला रहे हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं तो अगर हम जैसे एजी ए यू की बात करें तो गोल्ड एज इट इज प्रोड्यूस हो रहा है हम एज इट इज उसको ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो ना ये ऑक्साइड के फॉर्म में है ना ये सल्फाइड के फॉर्म में है ना ही कार्बोनेट के फॉर्म में है ठीक है फिर हम ये रिएक्टिव वाले को अगर देखें तो हमेशा ये, ये किसी ना किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ही पाए जाएंगे इनके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए जिसको हम इलेक्ट्रोलिस कहते हैं देन जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनका हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग कार्बन अब इसमें ना सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्री स्टेट यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं नेटिव स्टेट कहते हैं तो जो भी लोअर इन द सीरीज़ है वो हमें ये हमने देख लिया है फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये सब है अब कई बार क्या होता है ना जो कॉपर और सिल्वर है ये थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से ये अपने सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में भी देखने को हमें मिलते हैं जैसे कॉपर है तो ये कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं द मेटल्स एट द टॉप तो ये तो काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं तो दे आर नेवर फाउंड एज फ्री एलिमेंट्स कभी भी हमें अपनी फ्री स्टेट में नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये एक चीज है इधर पे ये हमने यहां पे देख लिया है देन द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज तो यहाँ पे क्या है दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव तो ये जनरली ऑक्साइड सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे हम ना तीनों का देखेंगे एक तो जो लीस्ट रिएक्टिव है फिर जो मॉडरेटली है एंड फिर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ठीक है तो चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी ओर से फाइनली मेटल चाहिए है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा कुछ यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स रहेंगे तो वो स्टेप्स हमारे पास क्या क्या है सबसे पहले और मिल गया फिर क्या किया उसका कॉन्सेंट्रेशन किया या फिर इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम फर्दर क्या कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी कहते हैं एनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग इसका क्या मतलब होता है कि कुछ ना इम्प्योरिटीज होती हैं अगर हमने कोई भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट लिया है उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज होंगी ना भले ही अगर मान लो मुझे ना क्या करना है कॉपर को माइन करना है कॉपर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसमें अगर गोल्ड प्रेजेंट है तो वो भी उसके लिए क्या होगी एक इम्प्योरिटी ही होगी ठीक है समझ में आया तो यहाँ पे जो भी इंप्योरिटीज है यानी कि उस पर्टिकुलर मेटल के अलावा जो भी चीजें हैं उनको रिमूव करना होता है या फिर सैंड भी हो सकती है नॉर्मल रॉक पीसेस भी हो सकते हैं वो भी इंप्योरिटीज होंगी तो सबसे पहले उनका कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है उसको रिमूव करना पड़ता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी है तो इलेक्ट्रोलिस करा देंगे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा अगर मिडिल रिएक्टिविटी है उसकी तो हम क्या करेंगे कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करते हैं अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करते हैं ये किसमें चेंज होता है फिर ऑक्साइड में फिर उसको रिड्यूस करते हैं मेटल में उसके बाद इसका प्योरिफिकेशन होता है यानी कि यहाँ पे हम रिफाइनिंग भी इसको कह सकते हैं ठीक है प्योरिफिकेशन मेथड हम यूज करते हैं नेक्स्ट जो लेस रिएक्टिव होते हैं रोस्टिंग करते हैं यानी कि इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है मेटल मिल जाता है फिर उसकी रिफाइनिंग कर देंगे तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिर वापस से यहीं पे आ जाएंगे रिलेट करने के लिए तो यहाँ पे देखो अगर हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की बात करें तो जो भी वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनको हम गैंग कहते हैं ठीक है तो ये चीजें ना छोटी छोटी पूछी जा सकती है तो आपको याद करनी है कि इन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं हम इनको गैंग कहते हैं ठीक है देन द इम्प्योरिटीज मस्ट भी रिमूव ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन करने से पहले हमें एनरिचमेंट करना होता है जो भी इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करना पड़ता है नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो भी लो इन द रियक्टिविटी सीरीज है तो हमने देखा जो भी लो इन द रियक्टिविटी सीरीज है ना वो जनरली सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट है तो अगर ये सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है पहले इनको हीट करना है ये अपने ऑक्साइड में चेंज करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद अगर इस ऑक्साइड को भी हम फर्दर हीटअप करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा ये अपने मेटल में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो गया बस इतना सही है ठीक है तो यहाँ पे वही है ये क्या होता है काफी लेस रिएक्टिव होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं अगर हम इनको हीट कर दे तो हमें डायरेक्टली मेटल मिल जाएगा तो याद करना है क्या है सिनाबार होता है ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिए जाती है ये सारी चीजें ठीक है तो सिनाबार है तो इसको मैंने हीट करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा तो यहाँ पे ये हमें क्या मिल गई ऑक्साइड और यहाँ पे एसओटू गैस इस ऑक्साइड को क्या कर दो फिर से हीट कर दो तो यहां पे आपको मेटल मिल जाएगा, उसके चाल को साइट आता है हमारे पास ये किसका ओर है दिस इज ओर ऑफ़ कॉपर तो ये किस फॉर्म में है सी यू टू एस के फॉर्म में है अगेन आपने यहाँ पे हीट करा ठीक है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे सी यू टू ओ के फॉर्म में चेंज हो गया सी यू टू ओ को फिर से हम सी यू टू एस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे हमें सी यू यानी कि इधर पे हमें कॉपर देखने को मिल जाता है ठीक है दोनों रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है तो दोनों ही आपको देखनी है अच्छे से और ये सिंपल सा है जो हमारा लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है मिडिल में आ जाते हैं तो मिडिल में हमने देखा था कि दो तरीके के ओर हो सकते हैं या तो वो कार्बोनेट ओर्स होंगे या फिर वो सल्फाइड होंगे कार्बोनेट सी फॉर कार्बोनेट सी फॉर कैल्सीनेशन तो कैल्सिनेशन हो जाएगा और दूसरा रोस्टिंग है तो वो सल्फाइड के लिए हो जाएगा ठीक है तो यहां पे भी वही चीज है तो यहाँ पे द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जैसे कि हमारे पास क्या क्या है आयरन है जिंक है लेड है कॉपर है तो ये क्या है हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव है तो ये सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है रोस्टिंग हम कब करेंगे जब हमारे पास सल्फाइड ओर है सल्फाइड ओर में रोस्टिंग होगी रोस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ रोस्ट हो रहा है इधर पे ठीक है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हीट की प्रेजेंस होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पे होती है और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैल्सिनेशन Calcination C stands for carbonate ore. तो इधर पे क्या है सी फॉर कैल्सिनेशन एंड सी फॉर कार्बोनेट तो इस केस में क्या हो रहा है जो भी हमारे पास कार्बोनेट ओर्स है उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करना है यहां पे स्ट्रांग हीटिंग हो रही है और यहां पे हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर ठीक है हीटिंग हो रही है बट लिमिटेड एयर होती है ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पे क्या है स्ट्रांग हीटिंग है बहुत ज्यादा इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो देखो रोस्टिंग अगर हो रही है तो रिलेट करो ऑब्वियसली जैसे टोस्ट बन रहा है एयर की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है ठीक है तो ऐसे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हो और कैल्सीनेशन है तो वहां पे लिमिटेड एयर चाहिए है तो कई बार ना डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि आप रोस्टिंग और कैल्सीनेशन में डिफरेंशिएट करो तो आप इजीली कर सकते हो आप एक एग्जांपल लिख सकते हो कि मान लो ये ZnCO3 में हो गया ये ZnS में हो गया ठीक है और एक डेफिनेशन आ गई ठीक है और ये किसके लिए है ये हमारे पास है सल्फाइड के लिए ये है किसके लिए कार्बोनेट के लिए और ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है ये लिमिटेड एयर में है तो ये डिफरेंसेस आपके पास इजिली चार हो गए इधर पे ठीक है तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है ये बस सिंपल रिएक्शन है इसमें अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस है देखो तो यहाँ पे क्या है एयर प्रेजेंट है ठीक है हीट तो दोनों में ही कर रहे हैं बट क्या चीज आ रही है कि यहाँ पे हम इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर कर रहे हैं और यहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं है ठीक है तो यहाँ पे जेड एन ओ में चेंज हो गया एंड यहाँ पे एस टू बना ऑब्वियसली उसके बाद यहाँ पे जेड एन सी ओ थ्री है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी टू प्रोड्यूस होगा ना बनेगा इधर पे भी जेड एन ओ तो हमने देखा था ना वहां पे दोनों ही प्रोसेस से क्या बनता है ऑक्साइड बनता है ऑक्साइड को रिड्यूस करना काफी ईजी होता है ऑक्साइड में अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे जैसे कि कार्बन तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा मेटल मिल जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेड एन ओ प्लस सी तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया जेड एन प्लस सी ओ तो यहाँ पे क्या हो गया है ये मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया है अब जैसे यहाँ पे तो हमने कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा है कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी और को भी यूज कर, कर सकते हैं हम एक मेटल को भी यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कैसे हो सकता है हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो इसी तरीके से थी ना कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी रियक्शन जो हाईली रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा तो ऑब्वियसली ये किसकी तरह एक्ट करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करेगा जो भी हमारे पास क्या है हाईली रिएक्टिव मेटल है ठीक है तो ये हमारे पास आ गया एग्जांपल हम इधर पे देख लेते हैं MnO2 एन ओ टू प्लस एल्यूमिनियम ये क्या है हमारे पास दिस इज दी रिड्यूसिंग एजेंट तो ये क्या करेगा ये डिस्प्लेस कर देगा एम को तो एम को अगर इसने हटा दिया तो यहां पे क्या हो गया एम प्रोड्यूस हो गया ठीक है सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन को क्या कर देगी ये डिस्प्लेस कर देगी आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं थर्माइट रिएक्शन ये पूछा जाता है कि थर्माइट रिएक्शन में किन दो के बीच में रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच में हो रही है तो आयरन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है

टॉप ऑफ दी रिएक्टिविटी सीरीज देखो ये बहुत ही सिंपल है मैं आपको बताती हूँ एन ठीक है हमें ये पता है ये एन प्लस और सी माइनस के फॉर्म में होता है ठीक है तो ये क्या है मेरे पास दिस इज दी कैटायन ठीक है ये कैटायन है और ये सी माइनस क्या है ये एनायन है हमें पता है कैटायन जाता है कैथोड में और एनायन जाता है एनोड में एनोड होता है विच मीन्स पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पे ही जाएगा कैटायन होता है पॉजिटिव तो कैथोड होगा नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव के पास ही जाएगा ऑब्वियसली तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलेस यूज करते हैं इलेक्ट्रोलेस में मैंने आपको बताया हुआ है तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट एंड एनोड एंड कैथोड ठीक है मान लो ये मैंने बीकर ले लिया है ये दो मेरे पास इलेक्ट्रोड हो गए ठीक है ये मान लो हमारे पास क्या है दिस इज एनोड तो ये कैथोड हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा ऑब्वियसली मोल्टे एन होगा मोल्टन क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए है है सोडियम चाहिए इसीलिए इसको मोल्टन फॉर्म में हम लेंगे तो यही चीज होगी ये एन ए सी एल ब्रेक हो जाएगा एनए प्लस हमारे पास जाएगा कैथोड में तो विच मीन हमें जो सोडियम मिलेगा वो कहा मिलेगा वो मिलेगा कैथोड में और सीएल माइनस कहा जा रहा है ये जाएगा एनोड पे तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी ठीक है तो ये दो हमारे पास रिएक्शंस हैं तो एन ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये एन ए में चेंज हो जाता है और यहाँ पे Cl माइनस है तो मैंने आपको बताया था ना कि Cl के फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है हमेशा Cl2 टू के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा इसीलिए यहाँ पे Cl2 टू हमने लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली ही इसको बैलेंस करना पड़ेगा इधर पे दो क्लोरीन आइटम है तो इधर पे भी दो क्लोरीन आइटम ही आएंगे अगर ये दो हैं तो यहाँ पे देखो टोटल चार्ज कितना आ गया टू माइनस यानी कि माइनस टू टोटल यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हो यहाँ पे भी इसीलिए हमें दो इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे तो आपको रटनी नहीं है चीजें समझनी है कि ये टू अगर इधर पे आया है तो ये क्यों आया है ठीक है चलो ये इधर पे हमने देख लिया है अब यहां पे ना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है पढ़ लेते हैं पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो भी हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स हैं, दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन तो ये क्या करते हैं ना खुद ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं ठीक है तो विच मीन्स ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं खुद में ही जबकि रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरा होना चाहिए था तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि खुद में दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और ये खुद ही क्या करते हैं एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर लेते हैं ठीक है तो यही चीज इधर पे भी लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो ऑक्साइड्स इनके रिड्यूस नहीं कर सकता है बिकॉज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यानी कि हम किसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिस का यहाँ पे हम यूज करते हैं चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ये वाली चीज जो हम हमने देखी थी तो यहाँ पे वापस से अगर हम देखें तो देखो अगर हम और की बात करें तो सबसे पहले क्या हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ठीक है कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन ही एनरिचमेंट है यानी कि जो भी उसमें हमारे पास इम्प्योरिटीजरिटीज को हम क्या कहते हैं गैंग कहते हैं तो वो गैंग क्या कर दिए हैं मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं उसके बाद जो हाईली रिएक्टिव है उसके इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं जो थर्ड वाला देखा था ठीक है उसके बाद जो मिडिल रिएक्टिविटी है, है? वाले हैं दो हो सकते हैं कार्बोनेट सल्फाइड कार्बोनेट सी कैल्सिनेशन सल्फाइड के लिए रोस्टिंग तो अगर हम कैल्सिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड एयर होती है और रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस में ही होता है ये ऑक्साइड में बदलता है ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं और हमें प्योर मेटल यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है फिर अगर हम लो रिएक्टिविटी में आए तो हमने देखा सल्फाइड ओर्स है वहां पे उनको हमने हीट करा रोस्टिंग करी वहां पे ऑब्वियसली अगर हमने इसको हीट कर दिया है तो हमें मेटल उधर पे मिल जाता है ठीक है पहले वो ऑक्साइड में बदलता है उसके बाद हमें डायरेक्टली मेटल देखने को मिल जाता है तो ये चीजें हमने इधर पे देख ली है नेक्स्ट ये डायग्राम है दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम जो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड इनर्ट का मतलब क्या होता है इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव तो ऑब्वियसली अगर हम कोई भी इस तरीके की रिएक्शन करा रहे हैं जैसे एन ए सी एल की कराई तो मुझे एनए सी एल ही चाहिए तो मैं नहीं चाहती हूँ ना बीच में कोई भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो भी पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में तो हम हमेशा इनर्ट लेते हैं इलेक्ट्रोड ताकि वो रिएक्ट ना करें जैसे हम ग्रेफाइट के ले लेते हैं जनरली कार्बन रॉड्स लेते हैं ठीक है यहाँ पे देखो मोल्टन एन है एन ए प्लस कहाँ मिल गया कैथोड पे और क्लोरीन हमें इधर पे मिल गया तो बस ये सिंपल सा डायग्राम है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी नहीं नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे अगर हम मेटल्स को रिफाइन करना चाहें यानी कि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो फिर भी बच ही जाती है ना तो इन इम्प्योरिटीज को अगर मुझे रिमूव करना है फाइनल स्टेज में तो हम कैसे करेंगे इसके लिए अगेन हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं ये डायग्राम है इसी से समझते हैं ठीक है तो देखो एनोड है और कैथोड है जो डिपोजिशन होता है ना वो हमेशा कैथोड पे होता है इसीलिए इसको हम क्या लेते हैं प्योर कॉपर तो यहां पे विच मीन ये जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास ये प्योर कॉपर का होता है ठीक है ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास क्या होगा इम्प्योर कॉपर का होगा अब यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज आएगी अभी मैंने आपको बताया हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ही यूज कर रहे हैं जबकि यहाँ पे तो हम कॉपर के यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर को पार्टिसिपेट करना है वहां पे नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पे तो NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम यूज कर रहे थे ना फिर देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारे पास सीयूएसओ यानी कि जो भी मेटल को आपको रिफाइन करना है उसी का इधर पे सॉल्ट होना चाहिए तो इधर पे हमने सीयूएसओ यूज कर रखा है यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ना वो थोड़ी अलग होती है मैं वो भी बता देती हूँ एनोड पे क्या रिएक्शन होती है पहले वो देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैथोड में क्या रिएक्शन होती है कैथोड पे मैंने आपको कहा कि हमेशा डिपोजिशन होता है तो डिपोजिशन कैसे होता है ये जो सी यू टू प्लस है ये किस में चेंज हो जाता है ये हो जाता है सी यू में चेंज ये जो एनोड है इसमें क्या होता है ये इम्प्योर है तो ये जो इम्प्योर है ये हो जाता है अपने आयन में चेंज यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो आपको ये दिख रहा है देखो सी यू टू प्लस ये बदल गया सी यू टू प्लस में ये सी यू टू प्लस कहा गया ये चला गया जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसमें फिर यही वाला कहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाता है हमारे कैथोड पे तो ये जो आया ना ये यही पे से आया है ठीक है तो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हुआ हमने यूज क्यों करा क्योंकि क्या है कि एनोड हमने इम्प्योर कॉपर लिया है तो यहां से अब जो भी प्योर कॉपर है सिर्फ वही जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा और जो भी इम्प्योरिटीज होंगी ना वो नीचे आके इकट्ठा हो जाती हैं एनोड के नीचे ये सब क्या है हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं जो इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस इकट्ठा हो जाती है उसको हम एनोड मड बोलते हैं काफी इम्पोर्टेंट है तो सब कुछ हमने देख लिया है यहाँ पे वापस से देख लेते हैं देखो एनोड क्या है हमारे पास इम्प्योर मेटल ठीक है देन जो हमारे पास कैथोड है वो क्या है प्योर मेटल और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसी मेटल का क्या होगा सॉल्ट सोल्यूशन होगा उसके बाद एनोड मड ये इंपॉर्टेंट है जो भी इंप्योरिटीज है एनोड के नीचे जो इकट्ठा हो जा रही है उसको हम एनोड मड कह दे रहे हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कुरोजन मुझे ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मैं इधर पे पढ़ा चुकी हूँ इन डिटेल कि हमारे पास क्रोजन क्या होता है कुरोजन का मतलब सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है उसने कर दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर एसिड तो वो अपने एक अनडिजायरेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड उसकी जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की वो सब लूज आउट हो जाती है मेलिबिलिटी हो गई डक्टिलिटी हो गई जो अच्छी प्रॉपर्टीज है वो सब क्या हो जाती है लूज हो जाती है ठीक है नोबल मेटल्स में जनरली कोरोजन नहीं होता है क्योंकि नोबल मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं ठीक है जो एजी है हमारे पास सिल्वर वो फिर भी क्या करता है रिएक्ट कर जाता है ठीक है तो इसमें सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है तो रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है कोरोजन का मतलब कई बच्चे ना क्या कह देते हैं कोरोजन इज रस्टिंग नहीं रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ठीक है कोरोजन की डेफिनेशन ये होगी जो मैंने आपको बता दी है रस्टिंग इसका एक एग्जाम्पल है जो कि सिर्फ और सिर्फ आयरन में होगी ठीक है ब्लैक कोटिंग किसमें होती है सिल्वर में या इसको ग्रे कोटिंग भी हम जनरली कह देते हैं ग्रीन कोटिंग किसमें होती है कॉपर की अब ये होती क्यों है तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड की बात करते हैं ए जी टू एस एजी टू एस यानी कि जो हमारे पास सिल्वर है ना वो सल्फर से रिएक्ट कर जाता है ये लेयर बना देता है इसकी वजह से क्या कलर आता है ब्लैक कलर आता है फिर फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे आप इसको करेक्ट करना है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड अब ये हाइड्रेटेड टर्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल्स पानी के भी होते हैं इसीलिए इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं ये होता है बेसिक कार्बोनेट इसका फॉर्मूला आपको याद करना है ये होता है बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मूला तो बेसिक कार्बोनेट इट इज अ कॉम्बिनेशन उसके ऑक्साइड सॉरी uh, उसके हाइड्रोक्साइड का भी एंड उसके कार्बोनेट का भी ठीक है तो ये चीज इधर पे है ये ग्रीन कोटिंग आपको दिख रही है ये क्या है हमारे पास कॉपर कार्बोनेट की है बेसिक कार्बोनेट ठीक है नॉट कॉपर कार्बोनेट क्योंकि कॉपर कार्बोनेट तो सिर्फ CuCO3 हो गया इसको हम बेसिक कार्बोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे से क्या है ये भी है और आपको पता है हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक ही होगा नेचर में इसीलिए बेसिक कार्बोनेट कहते हैं ठीक है देन हमारे पास ये है सिल्वर तो सिल्वर टार्निश हो जाता है यहाँ पे ये क्या हो गई है हमारे पास ब्लैकिश लेयर आ गई है किसकी सिल्वर सल्फाइड की ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है ये एक एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है देखो इसमें क्या किया है मैंने तीन टेस्ट ट्यूब लिए हैं ठीक है ए बी और सी ऊपर से मैंने कॉर्क लगा रखा है तो यहाँ पे पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया यहाँ पे पानी भी है और ऊपर से देखो एयर भी है अगर पानी और एयर दोनों ही है तो यहाँ पे अगर मैं आयरन की नेज रखूंगी तो ये रस्टी हो जाएंगी यानी कि यहाँ पे रस्ट तो फॉर्म हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है फिर देखो बी में मैंने क्या किया है यहाँ पे ये जो एयर है ना इसको मैं यहाँ तक पहुंचने ही नहीं दे रही हूँ कैसे नहीं पहुंचने दे रही हूँ यहाँ पे मैं एक लेयर लगा दे रही हूँ ऑयल की जो कि इस एयर को प्रिवेंट कर रही है यहाँ मूव करने पे तो यहाँ पे क्या है सिर्फ पानी है यहाँ पे पानी और वाटर सॉरी पानी और एयर नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है आ, पानी ही है ठीक है इस केस में आपको रस्टिंग नहीं देखने को मिलेगी ठीक है तीसरे पे आ जाते हैं यहाँ पे ड्राई एयर है ठीक है यहाँ पे एयर तो है लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एयर है यहाँ पे वाटर नहीं है ये नीचे क्या लिया है एनहाइड्रोस कैल्शियम क्लोराइड सी एस सी एल टू ये एक ड्राइंग एजेंट होता है यानी कि कोई भी अगर मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा पानी अगर यहाँ पे कुछ भी होगा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे पानी नहीं है यहाँ पे सिर्फ एयर है इस केस में भी आपको रस्ट नहीं देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि हमने कहा रस्ट क्या है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड तो अगर सिर्फ एयर है वाटर नहीं है तभी भी रस्ट नहीं बनेगा सिर्फ वाटर है एयर नहीं है तभी भी रस्ट नहीं बनेगा रस्ट फॉर्मेशन के लिए वाटर और एयर दोनों की ही रिक्वायरमेंट है इसीलिए अगर हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो हम ऑयलिंग कर देते हैं क्योंकि ऑयलिंग क्या करता है एयर को रीच आउट नहीं होने देगा ठीक है तो ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है देन हम देख लेते हैं ये तीन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाली रिएक्शन देन हम आते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में सबसे पहले पेंटिंग कोई भी अगर आयरन का आर्टिकल है बाहर से आप पेंट कर दो उसमें अगर आप बाहर से क्या कर दोगे पेंट कर दोगे तो बाहर से दूसरी लेयर है ना तो एयर वाटर रीच आउट नहीं कर पाएगा डायरेक्टली तो रिएक्ट नहीं करेगा ग्रीसिंग या ऑयलिंग अभी हम देख चुके हैं देन आता है एनोडाइजिंग क्रोम प्लेटिंग एनोडाइजिंग क्या होता है मैं भी आपको बता चुकी हूं जो भी मेटल है उसको आप क्या बनाते हो एनोड इसको आप बनाते हो जैसे ही आपने इसको एनोड बनाया तो एनोड पे ही ऑक्सीजन गैस क्या होती है रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस अगर यहाँ पे रिलीज होगी तो वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है ठीक है तो ये एनोडाइजिंग हो गया क्रोम प्लेटिंग यानी कि हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं उस मेटल के बाहर से एंड हेंस बच जाता है जो भी मेटल है क्रोजन से ठीक है नेक्स्ट है गैल्वनाइज गैल्वनाइजेशन गैल्वनाइजेशन कोई भी मेटल जैसे हम मेनली किस में यूज कर रहे हैं आयरन में इसका यूज कर रहे हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं अगर हमारे पास आयरन है उसको अगर मुझे रस्ट से बचाना है तो बाहर से हम क्या कर देते हैं जिंक की कोटिंग तो ये बाहर से मैंने किसकी कोटिंग कर दी है जिंक की कोटिंग कर दी है जिंक क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ आयरन नहीं करेगा तो जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो बच जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं गैल्वनाइजेशन ये हमारे पास है गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस फिर आता है एलोइंग एलोय Alloy काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलॉय इज बेसिकली सब्सटेंस जो कि कैसे बनता है जो कि या तो दो मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर से बनता है या फिर एक मेटल और एक दूसरा नॉन मेटल हो सकता है इवन तीन मेटल्स भी हो सकते हैं उसको भी हम एक एलॉय कहेंगे ठीक है तो एलॉयंग अगर हम कर देते हैं ना तो उस केस में क्या होता है जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं तो यहाँ पे रस्ट फिर नहीं हो सकता है जैसे आयरन की अगर हम बात करेंगे या जनरली किसी और अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो वहां पर कोरोजन नहीं होगा ठीक है तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कुछ हम एलॉयज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एलॉय ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी होमोजेनस कॉम्बिनेशन क्यों है बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है हाइड्रोजिनस वहां पे हम टर्म यूज करते हैं जहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो या तो हमारे पास दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या दो से ज्यादा है या फिर इवन एक मेटल है और एक दूसरा नॉन मेटल है तभी भी उसको हम क्या कहेंगे एक एलॉय ही कहेंगे ठीक है तो इट इज प्रिपेयर बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल यानी कि जो भी हमारे पास मेन मेटल है उसको सबसे पहले आप मेल्ट करोगे फिर उसको किसके साथ कंबाइन कर दोगे दूसरे मेटल्स के साथ या दूसरे नॉन मेटल के साथ उसके बाद उसे कूल cool डाउन करोगे तो आपका एलॉय इधर पे तैयार हो गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है इट इज वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रॉपर्टीज काफी इंप्रूव हो जाती है यहाँ पे क्रोजन नहीं होता है

हम जनरली किसका यूज करते हैं स्टील का तो स्टील इज ऑल्सो एन एलॉय किसकी आयरन एंड कार्बन तो यहाँ पे आयरन और कार्बन दोनों का अगर हम एलॉय बनाएंगे तो स्टील यहाँ पे बनता है जो कि काफी अच्छा होता है जिसकी काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है तो ये हमारे पास हो गया तो ये काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग होता है जब आयरन को हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ निकल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है जिसका हम जनरली घरों में यूज करते हैं बर्तनों के लिए ठीक है तो ये हमारे पास हो गया है नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्योर गोल्ड तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है जनरली 24 कैरेट यूज नहीं किया जाता है अगेन क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है तो ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं 22 कैरेट गोल्ड का यूज करते हैं इसका मतलब है 22 जो पार्ट्स हैं वो गोल्ड के रहते हैं बाकी के जो दो पार्ट्स हैं उसमें हम कॉपर या फिर सिल्वर का यूज कर देते हैं ठीक तो है तो यही चीज इधर पे मेंशनड है देन उसके बाद अमलगम पूछ लिया जाता है कि क्या होता है तो अगर हमारे पास एक जो मेटल है वो मकरी है तो मकरी का कोई भी अगर आप एलॉय बना रहे हो तो उसको आप कह दोगे अमलगम ठीक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पूछ लिया जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसकी जो भी हमारे पास अलॉय है ठीक है या फिर उसी की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करें तो वो हमेशा कम रहती है दैन द प्योर मेटल प्योर मेटल यानी कि जिससे भी हमने बनाया है उसको हम पेरेंट मेटल भी कह देते हैं कई बार ठीक है सो जो भी हमारे पास मेन मेटल था उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगी या फिर जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा रहेगा दैन दलॉय ठीक है तो so, ये चीज इंपॉर्टेंट है ये काफी सारे एलॉयज हैं यहाँ पे जैसे ब्रोन्ज है ये 18 कैरेट गोल्ड है 22 वाला भी हो सकता है ब्रास है देन वी हैव हाँ सिल्वर, कास्ट आयरन है कास्ट आयरन में क्या है आयरन और कार्बन का हम यूज कर रहे हैं परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा होगी ठीक है दैन द स्टील ये हम इधर पे देख लेते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टील मैंने आपको अभी बताया आयरन और कार्बन ठीक है तो इन दोनों का अलॉय स्टील कहलाएगा स्टेनलेस स्टील क्या होगा आयरन विद क्रोमियम और निकल तो सी आर फॉर क्रोमियम एंड एनआई फॉर निकल अमलगम तो ये हमेशा मौकरी का होगा ब्रास की बात करें तो कॉपर एंड जिंक का ये होता है ठीक है और ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं ब्रास भी और ब्रोंज भी ब्रोंज में भी कॉपर और टेन आता है देखो हमें पता है जो कॉपर होता है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में अच्छा होता है सो इट इज हाईली कंडक्टिव ठीक है तो अच्छा कंडक्टर है ये तो यहाँ पे अगर ये गुड कंडक्टर है तो उसका एलॉय भी होना चाहिए था जबकि नहीं है क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ एन एलॉय वो हमेशा कम रहता है देन द पेरेंट मेटल ठीक है तो ये दोनों ही अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं कौन कौन से ब्रास और ब्रोन्स तो ये इन दोनों के लिए आया हुआ है ठीक है फॉर बोथ ऑफ बीस सोल्डर की अगर हम बात करें तो सोल्डर यहाँ पे क्या होता है लेड एंड टिन तो टिन को हम एस एन लिखते हैं सो so, टिन का क्या होता है एलॉय होता है ये भी पूछ लिया जाता है कि सोल्डर किस यूज में आता है तो इसका क्या यूज है एक तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से इट इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टूगेदर तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इजिली मेल्ट हो जाएगा एंड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स है उनको ये लाइक uh, वेल्ड like करने में यूज किया जाएगा ज्वाइन करने के लिए ठीक है तो ये हमारे पास हो गया है नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इधर पे उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी ये लास्ट टॉपिक क्या है बहुत सिंपल है आयरन पिलर अगर आपने देखा है कुतुब मीनार के पास जो है आयरन पिलर है यानी कि आयरन का बना हुआ है यानी कि किसका एफ ई का बना हुआ है तो एफ ई में तो हमें पता है रस्ट हो जाता है बट ये तो इतने साल पुराना है फिर भी इसमें रस्टिंग नहीं हुई है तो साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं यहाँ पे स्टडी करने की ऐसा इसमें है क्या पुराने लोगों ने ना ऐसी कोई टेक्निक यूज कर ली थी कि जो हमारे पास आयरन है ना ये रस्ट ही नहीं हो रहा है तो अब लोगों को भी यही जानना है क्योंकि आयरन अगर रस्ट हो जाता है ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो अगर हमें आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो ऐसी कौन सी मेथड इन्होंने यूज करी थी कि आयरन में अभी तक रस्टिंग नहीं हो रही है ठीक है तो वही चीज इधर पे भी है अब हम देते हैं आपको चार क्वेश्चंस तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑप्टेंड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम अभी मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि दिस इज इंपॉर्टेंट तो आंसर आप बताना वट है पेलेट ऑफ सोडियम ज ड्रॉप्ड इन वाटर तो ये हमारे पास ऑप्शन हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में सब मेंशन करना है गैल्वनाइजेशन में क्या हम यूज करते हैं जस्ट अभी हमने डिस्कस करा है नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सिबिटेड बाई आयनिक तो की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं होती है ये आपको बताना है चार ही क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैंशन करना ये क्वेज ना हम इसलिए रख रहे हैं सो दैट जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है तो वही मुझे चेक

in the next video till then take care